हाय बच्चा, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक एंड आई होप आप सब अच्छे हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी का वो सेशन जिसके बाद हम जो स्टार्टिंग के 20 नंबर है ना हमारे पेपर के, उसको कंप्लीट करने के बहुत करीब आ जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सेशन देखोगे तो 20 में 20 आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता, जिसने पेपर बनाया है वो भी दावा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आज 100 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग है, डेट बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। सो बिफोर बिगनिंग, कैन यू प्लीज टेल मी इफ यू कैन सी एंड हियर मी क्लियरली? हाय द्वारका, हाय हिमानी, हाय मनस्वी, हाय श्रेया, गुड इवनिंग बच्चा भारी, गुड इवनिंग। अच्छा, व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइव चैट, अगर आप बच्चे ये सेशन बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, थोड़े दिन बाद में देख रहे हैं, तो आपको वीडियो को पॉज कर करके रिप्लाई करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और बाद में आंसर चेक करने हैं। मैं पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है? और अगर आप बच्चे लाइव देख रहे हो तो बेस्ट है, लाइव अगर सेशन देख रहे हो तो साथ के साथ मुझे लाइव चैट में आपके आंसर चाहिए, क्योंकि तभी हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। वन सेकेंड, मेरे फोन में टेलीग्राम ही नहीं चल रहा, ऐसे कैसे? रुको जरा देखें। चलिए, लाइव चैट मैंने खोल लिया है यहाँ पे और मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। एनी गेसेस, क्वेश्चन नंबर 1 कौन से सब्जेक्ट का होगा? हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, असर्शन एंड रीजनिंग होगा? एनी गेसेस? हिस्ट्री, 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 मेंटी भी आएगी बच्चा, पहले ऐसे याद कर लो जो जिसमें पेपर में नंबर आ सके, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। हाय शिव, थैंक यू फॉर द सुपर चैट बच्चा। चलो पहला क्वेश्चन, द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज नोन एज, ऐसा लैंड जिसे 5 साल से ऊपर टाइम के लिए हम एग्रीकल्चर जिसपे नहीं करते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये चैप्टर, वेरी नाइस, प्रतिष्ठा ने दे दिया राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज बच्चा, हम उसे बोलते हैं कल्ट्रुएबल वेस्ट लैंड। देखो, अगर छोड़ा हुआ लैंड है, सिर्फ छोड़ा हुआ लैंड है, आप उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हो, तो आप उसे बोलोगे फैलो लैंड, अगर एक साल से कम टाइम के लिए आपने उसे छोड़ा हुआ है। अगर एक से 5 साल के लिए आपने उसे खाली छोड़ा हुआ है बिना एग्रीकल्चर किए, तो उसे बोलोगे अदर देन फैलो लैंड, और अगर 5 साल से ऊपर टाइम के लिए छोड़ा हुआ है तो उसे आप क्या बोलोगे? कल्ट्रुएबल वेस्ट लैंड, कि भाई ये तो वेस्ट लैंड हो गया। माधुरी, थैंक यू फॉर द सुपर चैट बच्चा, ये क्या कर रहे हो तुम, अपने टीचर को पैसे दे रहे हो? गुरु दक्षिणा मिल रही है मुझे आज, बदमाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बिलियोथिक ब्लू ऑफ फ्रांस, इस तरीके की किताबें फ्रांस में मिलने लगी थी, प्रिंट कल्चर से है ये चैप्टर। इस तरीके की किताबों के बारे में 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, उन चारों में से आपको बताना है गलत कौन सा है, यानी कि कौन सा सच्चा नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि देवर मेंट फॉर चिल्ड्रन एंड वेमेन, सिर्फ बच्चों के लिए और औरतों के लिए होती थी किताबें। दूसरा बोल रहा है कि वो बहुत ही कम प्राइस की हुआ करती थी। तीसरा बोल रहा है कि उनका साइज छोटा हुआ करता था। और चौथा बोल रहा है कि उनका जो कवर है वो ब्लू कलर का हुआ करता था। क्या लगता है श्रेयांश बच्चा, लीजा, राइट आंसर? ये तो इजी लग रहा है यार, अपने को थोड़ा सा इजी लग रहा है। भास्कर पिटाई खाएगा ऐसी बातें बोलेगा लाइव चैट में, तो बहुत पिटाई खाएगा। भाप, अब
ओके द राइट आंसर इज दे वर मेंट फॉर चिल्ड्रन एंड विमेन. दिस इज नॉट राइट एक्चुअली. बिलियोथिक ब्लू सबके लिए बनती थी. ये ब्लू कलर का इनका कवर पेज होता था. ये पतले पतले चीप पेपर से बनी हुई होती थी. सस्ती होती थी, छोटे साइज की होती थी ताकि लोग ट्रैवल करते वक्त इन्हें पढ़ सके. बट सिर्फ बच्चों और औरतों के लिए नहीं बनती थी, हर तरीके के रीडर्स के लिए बनती थी. यश श्रेया प्रिंट कल्चर वाला आ रहा है बच्चा. एमसीक्यू सिर्फ प्रिंट कल्चर से नहीं है, पूरी एसएसटी के एमसीक्यू है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है हमारी हिस्ट्री का, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में वन मार्क में पूछा जा चुका है कि किसने बोला था कि फ्रांस जब स्नीज करता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप को कोल्ड लग जाता है. वेरी वेरी इजी. गुजिप मजीनी, मेटरनिच, ऑटो वॉन बिस्मार्क या गुजिप गारिबाल्डी. देखो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन याद नहीं होता उन्हें मैं एक तरीका बताती हूँ. हमारी किताब में एक ही कंजर्वेटिव इंसान का अच्छे से नाम दे रखा है, जो ट्रीटी ऑफ वेना जिसने होस्ट की थी, उसका नाम है ड्यूक मेटरनिच. तो अब मेटरनिच को, जो कि कंजर्वेटिव था, उसे रेवोल्यूशनरीज भी नहीं अच्छे लगते थे, तो वो मजीनी को अपना एनिमी बताता था. और उसे फ्रांस भी नहीं अच्छा लगता था क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन होते रहते थे. तो मजीनी ने ये बात बोली थी फ्रांस के बारे में. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अच्छा एक और बात याद रखना कि कौन सा कंट्री है जिसे क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है. ये वो क्वेश्चन है जो हमें बहुत इजी लगते हैं, पेपर में पैनिक के मारे हम कभी कभी गलत आंसर लिखाते हैं. तो ग्रीस इज नोन एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. ठीक है जी. यस संचित, वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, युवराज पिटाई लगेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ नेट सोन एरिया. जो हम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने इंडिया के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ देखते हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो नेट सोन एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे देश में. कहीं पे हमारे पास एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज्यादा है और कहीं पे हमारे पास एग्रीकल्चर एरिया बहुत कम है. तो कौन सी इसमें से जो स्टेट है उसके पास सबसे कम है. जिन बच्चों को नेट सोन एरिया की डेफिनेशन नहीं पता मैं बता दूं, एक ऐसा एरिया जिसे साल में एक बार कल्टिवेट करते हो सिर्फ, उसे नेट सोन एरिया बोला जाता है. ठीक है माधुरी, थैंक यू. बच्चों जल्दी से आंसर बताओ. हरियाणा इज नॉट द आंसर. लीस्ट अमाउंट ऑफ नेट सोन एरिया. वेरी नाइस. सारिका ने बताया आंसर, मुझे साची ने बताया आंसर. लड़कियों का आंसर आता है, देखो परिधि को भी आता है. वेरी नाइस. राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि बहुत पेड़ पौधे तो हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जंगल काट काट के लोग इरिगेशन करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो जंगल हमारे जीवन है और वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो वैसे भी जंगलों को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं. तो अरुणाचल प्रदेश में नेट सोन एरिया कम है. असम जैसी जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में वहां पे फिर भी ठीक ठाक नेट सोन एरिया है, बस अरुणाचल में हिमालयस बहुत ज्यादा है तो वहां पे कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप वाले क्वेश्चन भी लाई हुई है तो मैं बताना ही भूल गई. चलो मैप वाला क्वेश्चन करते हैं. इस वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये जो मैप पे मार्क्ड है, ऑलरेडी मार्क्ड भी है और क्वेश्चन के बारे में हिंट भी दी है कि यहाँ पे ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाला सेशन प्रपोज हुआ था. बड़े बच्चों को कंफ्यूजन होती है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी स्पीच में बोला था कि भारत को अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. यहाँ पे वो प्रोपोजिशन कि अब भारत इस डायरेक्शन में जाएगा वो पहली बार प्रपोज हुआ था. बताओ जी बच्चा, राजस्थान में अच्छी खासी खेती होती है. कौन बोल रहा है राजस्थान क्यों नहीं है. अदिति, राजस्थान में थार डेजर्ट वाला जो साइड है वहां पे खेती नहीं होती है, पर जब से वहां पे इंदिरा गांधी कनाल बनाया राजस्थान में अच्छी खासी खेती होती है. इनफैक्ट चावल भी कई जगह उग जाता है. मद्रास 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 मद्रास. वेरी नाइस. चेन्नई लिख के नहीं आएंगे क्योंकि जिस जमाने की बात की जा रही है उस जमाने में उसे मद्रास बोलते थे. तो दिस इज मद्रास. बच्चे स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करिए जो यहाँ पे पहली बार आए हैं. मैं आपको फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ. आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. तो यू कैन नॉट टेक द स्क्रीनशॉट्स आल्सो. दुपट्टा ही नहीं संभल रहा यार इंसान का, ऐसे कैसे चलेगा. एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से एक मैप वाला क्वेश्चन है. इसमें दो चीजें हैं आपको पेपर में मार्क करना है, या तो सलेम का स्टील प्लांट या कांडला पोर्ट. और उसके साथ देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले में चॉइस समझ के नीचे वाला कराएंगे. नहीं, ऊपर वाले में ही दो चीजें दी हुई हैं उनमें से चॉइस है और नीचे वाला तो कंपल्सरी है. तो बताओ कौन सा वाला करोगे, कौन सा वाला करके दिखाऊं. दोनों कर दूं, सलेम स्टील प्लांट भी कर दूं. कौन सी स्टेट में पड़ता है सलेम. हिमांशु बोल रहा मैम तमिलनाडु. वेरी नाइस हिमांशु, वेरी नाइस. चलिए यहां पे है सलेम, कांडला पोर्ट है आपका यहां पे बच्चा, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है, हैदराबाद में है कि नहीं. यहां बनाओ गया आर जी आई ए. तो ये हो गई तीनों की मैप फिलिंग. ठीक है, एनी कंफ्यूजन. द
तेलंगाना में बना के आना है, आंध्र प्रदेश में नहीं बनाना है भाई। 2014 में तेलंगाना बन गया था, हैदराबाद वहां पे पड़ता है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पावर शेयरिंग से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी है, या दोनों झूठी है या दोनों सच्ची है। स्टेटमेंट है, पावर शेयरिंग किसी भी तरीके की सरकार का एसेंस है। एसेंस का मतलब होता है बच्चा स्पिरिट, मतलब की जान। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि पावर शेयरिंग करने से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आने से बच जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सच्चा है कौन सा झूठा है, जल्दी बताओ, लाइव चैट बताएगी। मैम बड़े सुंदर लग रहे, अरे हाय थैंक यू। आंसर 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 राइट आंसर इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओ सॉरी, ए इज फॉल्स कह लो, वन इज फॉल्स बट टू इज ट्रू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे बोला है पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या दुनिया में एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बच्चा? बिल्कुल भी नहीं। डिक्टेटरशिप भी होती है, मोनार्की भी होती है। डिक्टेटरशिप और मोनार्की में तो कोई पावर शेयरिंग नहीं होती है, पावर शेयरिंग तो सिर्फ डेमोक्रेसी में होती है। तो एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह अगर वहां पे डेमोक्रेसी लिखा होता तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होने थे। यहाँ पे आएगा वन इज फॉल्स एंड टू इज ट्रू। हाँ जी फ्रेंडली गाय, आरबीएससी का सिलेबस मुझे बच्चा नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट, तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि ये वीडियो आरबीएससी के लिए वैलिड है या नहीं है, बट बहुत सारे बोर्ड्स में अगर ये चैप्टर आ रहे हैं तो फिर वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक्स भी आ रहे हैं तो भी वैलिड है। फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। बोथ वन एंड टू, बोथ टू एंड फोर, बोथ टू एंड थ्री, ओनली टू। जल्दी से देखो ईयर, भैरव कह रहा है ट्रिकी क्वेश्चन था, ऑब्वियसली ट्रिकी क्वेश्चन था, पेपर से 10 दिन पहले मैं तुम्हारे लिए इजी क्वेश्चन थोड़े लाऊंगी। हैं, हमने 60 नंबर थोड़े लाने, हमने पूरे 80 में से 80 लाने। हाउ मेनी क्वेश्चन आर डन, पता नहीं भाई कितने क्वेश्चन हो गए, अभी 5-6 क्वेश्चन ही हुए हैं, बहुत सारे बच्चे। शांति, द राइट आंसर इज सिविल कोड यहाँ पे गलत मार्क्ड है, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यहाँ पे गलत मार्क्ड है, तो आंसर वुड बी बोथ टू एंड थ्री। सी कूल, वेरी नाइस, बोथ टू एंड थ्री। यूनिफिकेशन ऑफ इटली 61 में हुआ था मेघा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1971 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएचएआई, ये किस कौन से चैप्टर से है क्वेश्चन? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। एनएचएआई की फुल फॉर्म बता दीजिए, एनएचएआई की फुल फॉर्म। मेंटी होगी बच्चा, अभी नहीं होगी, अभी टाइम है हमें याद करने का। मेंटी जब हम पेपर से पहले करेंगे ना, प्रेपरेटरी हॉलीडेज में, जब हमें ऑलरेडी सब कुछ आता होगा, तब मैं मेंटी जरूर लूंगी, चिंता मत करो। मैम इसकी पीडीएफ कब मिलेगी? शमा बच्चा सेशन खत्म होते ही मैं अपलोड कर दूंगी ड्राइव पे, थोड़ा सा टाइम देना, मैं कर दूंगी। ए शशांक पिटाई लगाऊंगी। एनएचएआई की फुल फॉर्म बताओ। वेरी नाइस, नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ, ओ सॉरी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। क्या बनाती है एनएचएआई, चलो मैं नहीं बता रही, बाद में क्वेश्चन भी है इस पे। नेपोलियन कोड यूजली नोन एज, नेपोलियन कोड का दूसरा नाम बताइए, नेपोलियन कोड को क्या बोलते हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आया हुआ, ईयर भी देखो इसमें, ईयर। वेरी नाइस, 1806 नहीं है तो शार बच्चा, द राइट आंसर इज सिविल कोड ऑफ 1804, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके फुल स्क्रीन जा रही हूं मैं, मैप का क्वेश्चन है। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेटेड वेयर राणा प्रताप सागर डैम इज सिचुएटेड, आपको बताना है इसमें से राणा प्रताप सागर कौन सा है। यस, वेरी नाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है? सरदार सरोवर। ऑप्शन नंबर बी इज राणा प्रताप सागर, थोड़ा सा टेढ़ा लगा है बट राजस्थान में लगा है तो हम राणा प्रताप सागर ही बोलेंगे। देन ऑप्शन नंबर सी इज योर भाखड़ा नांगल, ओ नो नो, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट भाखड़ा नांगल, उत्तराखंड में है ना, दिस तेहरी डैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सीबीएसई 2012 में भी आया था बच्चा, 11 में भी आया था, 10 में भी आया था। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप बोलते रहते हो ना, मैं ऐसे अलग से सेशन नहीं बनाती, लेकिन मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करा जरूर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी पे एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, या तो 3 मार्क्स का आएगा या तो 1 मार्क्स का आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन यूजली इस पे बनता नहीं है, ठीक है। सुपर चैट पे सुपर चैट आ रही है आजकल तो, स्पर्श बेटा थैंक यू। लैंग्वेज पॉलिसी का पहला पॉइंट है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों हमारी ऑफिशियल भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि इंडिया की 21 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि बोथ ए एंड सी आर रॉन्ग, यानी कि दे आर नॉट ट्रू। थिंक अबाउट इट। आंसर बताएं, ऑप्शन सी। हाँ विशाल, एक बार और सोच लो बच्चा, एक बार और सोच लो। पायल आई एम ग्रेट बच्चा, हाउ आर यू? राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। पहली बात तो ये है कि हिंदी हमारी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी इंडिया हैज 21 स्केड्यूल लैंग्वेजेस इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमारी बुक में सेंटेंस में लिखा हुआ है बिसाइड हिंदी वी हैव 21 स्केड्यूल लैंग्वेजेस। तो हिंदी के अलावा हमारे पास 21 स्केड्यूल लैंग्वेजेस है, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी है, 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस है। बुद्धू बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर आएगी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, मैच द फॉलोइंग करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कॉलम वाले क्वेश्चन में पहले 2 मैच करके ऑप्शंस पढ़ लिया करो, क्या पता पहले 2 को मैच करके ही काम चल जाए। चलो पब्लिक सेक्टर को मैच करो, सर्विस सेक्टर, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ओनर्स। पब्लिक सेक्टर किस बेसिस पे हम पब्लिक और प्राइवेट डिफरेंशिएट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन करती है, तो ए को हमने मैच कर दिया 3 के साथ। ओके, हमें तो पहला ही करके आंसर मिल गया, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन में होता है, यस ये भी ठीक है। टर्शरी सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर कहलाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, बिल्कुल ठीक है। तो कभी कभी एक करके मिल जाता है, कभी कभी 2 मैच करके मिल जाता है, और 3 मैच करके तो पूरा ही पूरा मिल जाता है हमेशा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज डैश, इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से उठाया गया है ये सेंटेंस। ये बोल रहा है कि सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा हुआ था? नवजोत आई एम ग्रेट बच्चा, आंसर बताओ। प्रशांत साक्षी मैम, यूनिफिकेशन वाले ईयर गलत था? नहीं, यूनिफिकेशन वाला ईयर गलत नहीं था। जर्मनी का यूनिफिकेशन लेट हुआ था, 1871 में हुआ था। इटली का यूनिफिकेशन 1861 में हुआ था। प्रॉमिस आता है तुम्हारे टीचर को, कब से पढ़ा रही हूं यार मैं SST, ऐसे मत बोलो। में विक्टर मैनुअल को किंग बनाया था। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, उसके बाद भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली चलता रहा था, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया। और 1871 में कैसर विलियम को बिठा दिया था यूनिफाइड जर्मनी की गद्दी पे। एनीवे, इसका आंसर है कॉटन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले कॉटन और आयरन इंडस्ट्री, यानी कि स्टील इंडस्ट्री में था, क्योंकि रेलवे बनाने के लिए आयरन वगैरह चाहिए होता था, और कॉटन तो सबको कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, चलिए अभी भी है। असर्शन और रीजनिंग करते हैं। द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर द 1760 डिड नॉट इनिशियली लीड टू अ डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कैसे करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग? सब कुछ भूल भाल के पहले देखेंगे कि असर्शन सच्चा स्टेटमेंट है भी कि नहीं। असर्शन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंसोलिडेशन, यानी कि इकट्ठा होना, जब उसकी पावर इकट्ठी हुई 1760 के बाद, इससे इंडिया की टेक्सटाइल में कोई डिक्लाइन नहीं आया, ठीक है। पहले पहले शुरुआत में इससे इंडिया के एक्सपोर्ट पे कोई डिक्लाइन नहीं आया। रीजन कह रहा है कि ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपैंडेड एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। क्या ये रीजन है? क्या ये रीजन है? बोलो यार। अच्छा 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 सा, मैं कह रही आपने 1971 बोला। ओ अच्छा 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 सॉरी। जल्दी बताओ आंसर।
ऑप्शन ए। यस एब्सोल्युटली द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो ट्रेड सिस्टम था वो कोई हल्का फल्का नहीं था, बहुत भारी ट्रेड सिस्टम था, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे, हमने बढ़िया नेटवर्क बना रखा था, हमारे दो पोर्ट्स भी हुआ करते थे, ठीक है, बढ़िया पोर्ट सिस्टम था और ब्रिटिशर्स को हम घुसने नहीं देते, तो हमारे कपड़े की मांग तो पूरी दुनिया में अच्छी थी। आपके मम्मी डैडी से पूछेंगे ये क्यूटनेस का राज आयुषी पढ़ ले यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, चलो चलो देखते हैं ये कौन करता है। व्हाई इज ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूसिंग इन इंडिया, इंडिया में ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूस क्यों कर रहा है। मैम टेलीग्राम पे मिलेगी क्या पीडीएफ? नहीं, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, मैं ये धोखे वाले काम नहीं करती हूँ कि टेलीग्राम पे लेके जाऊँ, वेबसाइट पे लेके जाऊँ, ऐप पे जाऊँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जो करते हैं वो धोखेबाज है। पहली बात तो ना बातों को मिस इंटरप्रेट करना बंद करो, बट मुझे लगता है कि जितने सिंपल तरीके से पीडीएफ दे सकते हो वो सबसे बेस्ट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करते ही पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो व्हाई इज ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूसिंग इन इंडिया भाई, डे बाय डे क्यों हो रहा है हमारा पानी खत्म, जल्दी बताएं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले बच्चे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड वाटर टेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। छोटी क्लासेस से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हुए नहीं आते तुम, है पानी ऊपर जाता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल की तरह फिर से आता है, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाता है, क्या पढ़ते थे ईवीएस की किताब में। तो राइट आंसर इज कि पानी रिन्यूएबल है, बट जब तक वो बेचारा रिन्यू होके आता है तब तक हम उसे ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं। राइट आंसर वो ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलिए ये 3,000 बच्चे जो लाइव देख रहे हैं लाइक ठोक देंगे, जरा लाइक कर दीजिएगा। आप बुक्स पढ़ते हो? कभी कभी पढ़ लेती हूँ, बुक्स पढ़ने का नाटक ज्यादा करती हूँ मैं, बुक्स कम पढ़ती हूँ, मूवीज ज्यादा देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, जो हमारी फेडरलिज्म है हमारे देश का, उसकी जो रियल रियल सक्सेस है वो किस चीज को एट्रीब्यूट करती है। द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एट द सेंटर, हमारी सेंटर पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय इंडिया, द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन आर कंट्री। थैंक यू लर्निंग स्पॉट, यू आर एन इनक्रेडिबल टीचर, यू आर एन इनक्रेडिबल टीचर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टडी मेंटी भी आएगा बच्चा, अभी नहीं आएगा, पेपर से पहले मैं प्रेपरेटरी हॉलीडेज में जरूर लाऊंगी। इसके बाद आप क्या कराओगे? इसके बाद मैं सोच रही तुम्हें बायोलॉजी के भी 100 MCQs करा दूं, अगर ये तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे कॉमेंट्स में बताना, मैं बायोलॉजी का भी लेके आऊंगी सेशन। राइट आंसर इज द नेचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पहली बात, हमारे संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है कि हम फेडरल कंट्री हैं। जब आप हमारी डेमोक्रेसी कि वर्क करने का तरीका देखते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि हम फेडरल कंट्री हैं, बट देयर नो वेयर इट इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर अ फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी, मैप पे एक स्टेट पे एरो लगा हुआ है, ये स्टेट पे, जिस स्टेट पे एरो लगा है ये स्टेट कौन सी चीज में लीडिंग प्रोड्यूसर है, टी में लीडिंग प्रोड्यूसर है, कॉफी में है कि राइस में है कि रबर में है। हां जी वैष्णवी, बायो वाला करा दूंगी, आप कुछ भी पढ़ाओ मुझे अच्छा लगेगा। आई हाय रवि थैंक यू। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, आराध्या अभी आएंगे, मैंने डाले हैं, हिस्ट्री से भी डाले हैं, सिविक्स से भी डाले हैं, थोड़ा सा रुको आते हैं। कौन कह रहा है कॉफी पिटाई लगेगी तुम्हारी? नीलगिरी हिल्स में कॉफी उगती है, नीलगिरी का ज्यादा हिस्सा कर्नाटका में पड़ता है। रबड़ वाले बच्चे सब सही है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रबड़। रबड़ को चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल, रबड़ को चाहिए होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब इक्वेटर के सबसे पास कौन है? केरला ही तो है इक्वेटर के सबसे पास, सदर्न हेमिस्फीयर ही तो इक्वेटर के सबसे पास है। कॉमन सेंस यार, रट्टा लगा लगा के SST पढ़ी है तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट। हम जब विलेज लेवल का लोकल गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो विलेज लेवल पे होता है हमारा क्या? पंचायत, है ना? विलेज लेवल के ऊपर होता है आपका क्या होता है? पंचायत समिति, जैसे ब्लॉक समिति भी बोलते हैं। ब्लॉक समिति मिलके क्या बनाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? जिला परिषद। सो राइट आंसर दे दिया हमारी येशा ने और बीना ने, जिला परिषद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, है ना? आया समझ कैसे करना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, सुंदर सुंदर मत बोलो, पढ़ाई पे दिमाग लगा लो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंट कल्चर में बहुत सारी किताबों के हमारे नाम ले रखे हैं, वो किताबों के नाम ना किसी को पकड़ के पढ़ा देना, तुम्हें याद हो जाएंगे, वरना पेपर में एक आधा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। छोटे बड़े का सवाल, ये वर्कर्स वाले टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं, छोटे बड़े का सवाल किस चीज पे लिखी हुई किताब है? कानपुर के एक मिल वर्कर ने लिखी थी, चलो तुम्हें हिंट भी दे दी, ऑन द मैटर ऑफ क्लास,
यानी कि पैसे के भेदभाव पे लिखी हुई है, ऑन द मैटर ऑफ कास्ट यानी कि जाति के भेदभाव पे लिखी हुई है, ऑन द मैटर ऑफ जेंडर यानी कि जेंडर से रिलेटेड भेदभाव पे है, या बोथ ए एंड बी? थैंक यू कार्तिकेन, ऑफ कोर्स आई नो दिगराज सर, यार कैसी बातें करते हो आप। यस डू आई नो फिजिक्स वाला सर? यस ऑफ कोर्स आई नो अलग सर। ऋषिकेश, Why am I so cute? Mihira, because you guys are so cute. You guys are cute and you guys, your cuteness is contagious. Right answer is on the basis of both A and B. छोटे और बड़े के सवाल में बताया गया है कि कैसे कास्ट और क्लास इंटर रिलेटेड होते हैं, एंड द बुक इज रिटन अपॉन दैट एज अ कॉन्सेप्ट, होल एज अ कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टी क्रॉप इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर वन, फाइंड इट आउट। बाकी सारी बातें सच्ची हैं, इसमें से एक स्टेटमेंट है जो झूठा लिखा हुआ है। बच्चा जल्दी से बताओ ये झूठा स्टेटमेंट कौन सा है। आई एम स्केर्ड अबाउट इंग्लिश एग्जाम, इवन आई एम स्केर्ड अबाउट इंग्लिश एग्जाम। इंग्लिश एग्जाम टाइम पे खत्म करके आना, तुम्हारी खुद के टीचर का बहुत पेपर छूटा है। आज तक कोई इंग्लिश का एग्जाम नहीं गया जो मैंने टाइम पे खत्म किया हो, हमेशा एक आधा क्वेश्चन छूटा। लास्ट के क्वेश्चन में तो मैं क्या लिख के आती थी मुझे याद ही नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं बचता था, सिर्फ मोटे मोटे अक्षरों में कुछ भी। एनीवे, गॉन आर द टाइम्स, यू टेल मी द आंसर। टॉपिक मिस नहीं करना है, आपने सारा सिलेबस वन शॉट में करवाया है या सीबीएसई? नहीं, मैंने वन शॉट में सारा सिलेबस कराया है, फ्रेंडली गाय। मैंने डिलीटेड पोर्शन भी कराया है सो दैट अगर किसी के स्कूल वूल में आ रहा है तो आपको पता हो। मार खाएगी प्राची एसएसटी, बोरिंग क्यों? बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। देखना बड़े हो गए एसएसटी पढ़ने के लिए तुम बार 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 तरसोगे। ब्लूप्रिंट पे विश्वास करना है कर लो भाई, अपने आपकी मर्जी है। राइट आंसर बताओ यार। द राइट आंसर इट इज अ बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज इन इंडिया। नो भाई, इट इज अ बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। चाय बहुत पीते हैं भाई ब्रिटेन के लोग, इंडिया को भी आदत लग गई। ऐसा नहीं है कि हम उनसे पहले चाय नहीं पीते थे, उनसे पहले भी हम पी लिया करते थे, पर उसके बाद तुम्हारी जो लत लगी है कि पूछिए ही मत, अब चाय के बिना जिंदगी इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहीं पे एक और बोर्ड एग्जाम का मैं क्वेश्चन बताना चाहूंगी कि इंडिया की कॉफी की वैरायटी का क्या नाम है। इंडिया की कॉफी की वैरायटी का नाम है अराबिका, और वो वैरायटी कौन से देश से हमारे देश में आई थी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू? येमेन से आई थी। अब इंडिया की होके रह गई है, इंडिया इंडिया के नाम पे फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिवाइज स्पिनिंग जेनी इन 1764? 1764 में स्पिनिंग जेनी नाम की ये जो मशीन थी, जो स्पिनिंग स्पिंडल्स, इसमें बहुत सारे स्पिंडल एक ही साथ काम करते थे, ये किसने बनाई थी? जेम्स लॉक ने बनाई थी, जेम्स वॉट ने बनाई थी, जेम्स हार्ग्रीव्स ने बनाई थी, रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी? आई एम ग्रेट या आशुतोष, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू मानव, हाउ आर यू बच्चा? राइट आंसर बताइए, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, आपकी आर्ट स्ट्रांग है। हमने कभी सोचा ही नहीं उस तरफ, पता नहीं क्यों कभी इतने एम्बिशन ही नहीं थे, दिल ही नहीं लगा इतनी पढ़ाई करने में। ओके, राइट आंसर इज जेम्स हारग्रीव्स। ओहो, यहाँ पे तो ऑप्शंस कैसे गलत गलत हो गए हैं। ठीक है, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का एक नया वर्जन बनाया था, उसे पेटेंट करा लिया था। रिचर्ड आर्कराइट ने क्या बनाई थी? पहली कॉटन मिल बनाई थी। जेम्स लॉक नाम का को कोई व्यक्ति नहीं है, तो बच्चा कौन? जेम्स हार्ग्रीव्स। ऑप्शन एलिमिनेशन याद रखो, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, सारे ये पॉइंट्स बताए थे, ऑप्शन एलिमिनेशन, असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड। हो सकता है कि उसमें से सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी आते हों इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट एक बार ब्रश अप कर लोगे तो ठीक रहेगा। 4 मिनट की वीडियो है, देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर्स में से भी मैंने एक आधा क्वेश्चन डाल दिया है सो दैट वी कैन रिवाइज। वैसे तो रिपीट नहीं होते हैं सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस आने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जल्दी बताइए कि अगर एक लैंडलेस रूरल लेबरर को ज्यादा दिन काम चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को क्या चाहिए होगी? कार्तिके, कृष्णा, वत्सल, पल्लवी, कृष, बताओ क्या चाहिए होगा? टॉनक, स्टेबल जॉब चाहिए होगी अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को, बेटर सैलरी चाहिए होगी, सोशल सिक्योरिटी चाहिए होगा, कि ऑल ऑफ द अबव चाहिए होगा? ए, मेरा एक्सेंट नहीं है, ऐसे ही बोलती हूं मैं। राइट आंसर इज बेटर सैलरी तो तब मिलेगी ना बच्चा जब जॉब होगी, बट ऑल द अबव दिया है तो हम ऑल द अबव करेंगे।
हाँ जी वंश, हैप्पी बर्थडे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द यूरोपियन नेशनल हिस्ट्री। अब बच्चों को लगता है इसमें हमें एग्जैक्ट ईयर तो पता ही नहीं है, एग्जैक्ट ईयर पता नहीं हम कैसे करें। बुद्धू, इसमें एग्जैक्ट ईयर नहीं पता करना होता है, इसमें हमें पता करना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की कौन सी चीज किससे पहले हुई थी। ये पता है ना, एग्जैक्ट ईयर के बिना आंसर दे दोगे आप। आपको पता है चैप्टर की शुरुआत ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से होती है, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ही तो नेपोलियन गद्दी पे बैठा था, तो जब नेपोलियन गद्दी पे बैठा था तभी तो जाके इन्वेजन करना स्टार्ट करेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा। क्या है राइट आंसर? थैंक यू देव, आंसर बताओ। ऑप्शन ए, परफेक्ट, परफेक्टो, परफेक्टो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दे रखी है एग्रीकल्चर चैप्टर से, आपको बताना है कि कौन सी गलत है। भूदान मूवमेंट विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। रबर क्रॉप जो है उसे 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल चाहिए होती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो लैंड को हर्ट नहीं करता है। ट्रिकी क्वेश्चन, यू कैन डू इट शिक्षा, जल्दी बताइए। अरे हिस्ट्री का रिविजन लेक्चर है शिक्षा चैनल पे, एक बार चेक कर ले। लव यू टू या शाहिर, थैंक यू। आंसर बताओ, भूदान मूवमेंट विनोबा भावे जी ने करवाया था स्टार्ट? बिल्कुल कराया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। रबड़ को 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल चाहिए होती है कि ज्यादा चाहिए होती है? ज्यादा चाहिए होती है, बहुत बारिश चाहिए, सबसे ज्यादा बारिश चाहिए। हमारी किताब में इकलौती क्रॉप है जिससे इतनी बारिश चाहिए। इसके बाद चाहिए राइस को, फिर चाहिए वीट को, ठीक है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लैंड को हर्ट नहीं करता, फॉरेस्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से भी हमारा फ्लोरा और फौना बहुत खराब होता है, हमारा लैंड और सॉइल इरोजन भी होता है। सो द राइट आंसर इज 2 and 3 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। वेरी नाइस भूमिका। वेयर डू आई लिव राइट नाउ? आई एम लिविंग इन बैंगलोर। वो पेन चलना बंद हो गया। समझा? या ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। इतनी भारी भरकम बात किसने बोली थी कि प्रिंटिंग प्रेस जो है प्रोग्रेस का सबसे बड़ा पावरफुल इंजन है और पब्लिक का जो ओपिनियन होगा वो डेस्पोटिज्म को उड़ा के ले जाएगा। डेस्पोटिज्म मतलब एक इंसान की जब बहुत ज्यादा डोमिनेशन होता है, एक ही इंसान का राज होता है, तो आप उसे डेस्पोटिज्म बोलते हो। वो डेस्पोटिज्म मोनार्क से भी हो सकता है, राजा भी कर सकता है, डिक्टेटर भी कर सकता है, इट इज अ जनरल टर्म। सो किसने बोली थी ये बात? मार्टिन लूथर, जॉन गुटेनबर्ग, वोल्टेयर या मोसियर? मैम ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो, मिस यू। ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो इज बच्चा एडो, EDO। थैंक यू उज्ज्वला। मैम मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे सिलेबस से बियॉन्ड लगते हैं। रिंकी ऐसे ही लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, बस प्रैक्टिस। मार्टिन लूथर, वेल डन मार्टिन लूथर। कई बच्चे कह रहे हैं मर्सियर, बच्चा मर्सियर आंसर नहीं है। मर्सियर ने बोली थी ट्रेम्बल टायरेंट, ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। वो बात मर्सियर ने बोली थी, मार्टिन लूथर ने वाली बात बोली थी। बातों को कंफ्यूज मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी एक फार्मर के, एक किसान के बच्चे हैं जिन्होंने स्टडी की किसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में और बाद में जाके रिसर्च साइंटिस्ट बन गए। अब हाइब्रिड वैरायटी के ऑयल सीड्स बनाते हैं वो, तो कौन से सेक्टर में थे पहले वो और अब कौन से सेक्टर में चली गए? अगर वो फार्मर के किसान थे तो पहली बात तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि वो काम करते थे, लेकिन हमें अज्यूम करना है कि वो अपने पापा के साथ काम करते थे। एनसीईआरटी का ही ये एक लास्ट पेज पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको एक केस स्टडी दे रखी है। तो पहले वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे और क्योंकि वो रिसर्च वर्क करने लग गए, तो रिसर्च वर्क करना एक सर्विस है, एक प्रोफेशन है, तो वो आता है टर्शरी सेक्टर में। सो फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी। प्रिंट पर अंदर 30 मिनट्स कब आ रहा है माधवी? मैंने दे रखा है बना के, वीडियो एडिटर बोल रहे कल शाम को देंगे पहला ड्राफ्ट, कल शाम को देंगे। उसमें थोड़ी बहुत कमियां होंगी प्रिंट कल्चर अंडर 30 मिनट्स वाले वीडियो में, फिर मैं ठीक कराऊंगी, फिर परसों तक आ जाएगा। एडो इज सिमिलर टू इनो, बाप जया, नाउ दैट यू हैव सेड इवन आई फील इट इज सिमिलर टू इनो। एडो, इनो, नॉट सो मच, स्पेलिंग सेम है ऑलमोस्ट। ओके, हु सेड दैट मज़ीनी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर ऑफ यूरोप? पहली बात तो ये बात बोली क्यों गई थी, क्योंकि मज़ीनी एक रेवोल्यूशनरी था और जिसने बात बोली थी वो एक कंजर्वेटिव था। ऑब्वियसली कंजर्वेटिव लोगों के खिलाफ जो भी जाएगा उसे वो अपना दुश्मन ही बताएंगे, और मज़ीनी इतना फेमस था कि उसे उनके ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। एंड दिस सेंटेंस वॉज अटर्ड बाय मेटरनिच, जो कि ड्यूक था, ड्यूक मेटरनिच, और कहां से बिलोंग करता था? ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट की थी इसने, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता था।
सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वेना में कौन से चार देश थे ये भी पता होना चाहिए। उन चार देशों को याद करने का तरीका है, बाप रे बाप, बी का मतलब ब्रिटेन, ए का मतलब ऑस्ट्रिया, आर का मतलब रशिया, पी का मतलब प्रशिया। बच्चे पूछते हैं मैम प्रशिया भी कोई देश है? प्रशिया एक देश हुआ करता था, अब नहीं एग्जिस्ट करता, बट गया प्रशिया, बंटवारा हो गया प्रशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ पॉलिटिकल पार्टी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलो चलो। आई एम अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्प्लिट हुआ था तब बनी थी, और मैं डायनेस्टिक सक्सेशन में विश्वास नहीं रखती हूँ। मेरा क्या नाम है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? इजी पीजी क्वेश्चन। निधि कह रही है ब्राप रे ब्राप, ब्राप पढ़ लो या बाप पढ़ लो, जो भी अच्छा लगे तुमको याद रखना बस। मैम इंग्लिश ग्रामर कर लो, इंग्लिश ग्रामर तो नहीं, पर मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी इंग्लिश की जो दोनों बुक है उनकी समरीज दे दूँ। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू वॉन्ट। मैंने कभी इंग्लिश पढ़ाई नहीं है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी तो जस्टिस करूंगी कि नहीं करूंगी। तो सोच रही हूँ अभी, जस्ट थॉट, लेट मी नो इफ यू वॉन्ट, आई ट्राई माई बेस्ट। नॉट एबल टू मेमोराइज वास्ट सिलेबस। बच्चा क्वेश्चन करो, एमसीक्यू स्मृति जितने करोगे उतना अच्छा आपके लिए। ओके लक्ष्य, आई थिंक अबाउट इट। राइट आंसर इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आई थिंक 1999, 1999 में ये पार्टी स्प्लिट हो गई थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्हें डायनेस्टिक सक्सेशन दिखता था एंड दे वर अगेंस्ट इट। अच्छा, इन सबके वो बताओ, जरा चुनाव चिन्ह बनाओ। इनका है घड़ी, है ना? बहुजन समाज पार्टी का है एक ब्लू कलर का हाथी, है ना? हाथी अब कैसे बनाऊं, चलो हाथी बना देती हूँ। हाथी तो कम लग रही है, बकरी ज्यादा लग रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का है एक तीन पत्ती वाला फूल जिसमें तिरंगा है और नीचे है घास। और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का है सिकल और पीछे धान। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पिक्चर बिलो डिपिक्स? ये पिक्चर जो है क्या डिपेक्ट करती है? पेजेंट अपराइजिंग, द मैसेकेयर एट चियोस, द क्लब ऑफ थिंकर्स, या नन ऑफ द अबव? ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे, जो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है इसमें। कहीं थिंकर्स दिख रहे हैं इस फोटो में? कहीं दिख रहा है कोई सोचता हुआ, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं लोग? तो हटा दो, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करेगी। अब बचा मैसेकेयर एट चियोस एंड पेजेंट अपराइजिंग। अब इसमें मैं क्या देख रही हूँ कि टावर से ना एक झंडा नीचे गिर रहा है, झंडा नीचे गिर रहा है, और ये झंडा मुझे तिरंगा दिख रहा है। तिरंगा झंडा किसका था? तिरंगा झंडा था आपके फ्रांस में, है ना? तो दिस इज पेजेंट अपराइजिंग ऑफ पेरिस, पेरिस रिवोल्ट है ये 1848 का, ठीक है? मैसेकेयर एट चियोस नहीं है, मैसेकेयर एट चियोस की कलर्ड पेंटिंग है तुम्हारे बुक में। हल्के में ले रहे हो उस पेंटिंग को, बढ़िया पेंटिंग है, उसमें लोगों की शक्ल दिख रही है, इसमें तो शक्ल नहीं दिख रही है। नो प्रॉब्लम्स है ना बच्चा? अब दे दो आंसर, योर नेट इज स्लो, नो प्रॉब्लम। आप बाद में भी सेशन देख सकते हो या पीडीएफ से पढ़ सकते हो। एल्डोराडो मीन, यस बच्चा यस, एल्डोराडो इज द फेबल सिटी। प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एज मार्टिन लूथर सेड। ओ, उसका आंसर मर्सियर था क्या? आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक। मर्सियर था तो आई विल चेक पक्का से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कस्टम यूनियन दैट वॉज फॉर्मड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट वॉज कॉल्ड। लिबरल लोगों ने बनाया था ये कस्टम, और किसने, क्या नाम था इसका? द नाम वॉज जोलवेरीन, प्लेबिसाइड, यूटोपियन, या ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर है जोलवेरीन। कस्टम यूनियन था, टैक्स यूनियन नहीं था, याद रखना। कस्टम इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड लेबल द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ द इंडिया। हमारी इंडिया का एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट कौन सा है बच्चा? कोची। एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट कौन सा है? ट्यूटीकॉरिन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो सारे पोर्ट जल्दी से करा देती हूँ। ये है कांडला, ये है मुंबई, इसके जस्ट नीचे जवाहरलाल नेहरू, अब वो जगह नहीं है यहाँ पे तो मैं नहीं बना रही हूँ। कैलकटा, कैलकटा के जस्ट साइड में हल्दिया पोर्ट बनाना होता है मैप पे। ये है कोची पोर्ट, ये है आपका पैरादीप पोर्ट, यहाँ पे है आपका मद्रास, सॉरी चेन्नई पोर्ट, एंड देन वी हैव विशाखापट्टनम, और कोई बच रहा है यहाँ पे? गोवा में वी हैव मारमागाओ,
एंड देन वी हैव न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर को एनम लिख रही हूँ, ट्यूटीकॉरिन, यस राइट आंसर. इन विच सिटी खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड एंड एनसीएम वॉज अडॉप्टेड रिस्पेक्टिवली. अगर आपको नहीं पता तो रिस्पेक्टिवली वर्ड आपके मैथ के न्यूमेरिकल्स में भी बहुत यूज होता है. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो चीज पहले उसे पहले लिखना है, जो चीज बाद में उसे बाद में लिखना है. आई एम सो सॉरी इफ यू ऑलरेडी न्यू अबाउट इट. तो खिलाफत कमिटी कब बनी थी उसका नाम पहले आएगा, और एनसीएम कहाँ अडॉप्ट किया था उसका नाम बाद में आएगा. जल्दी से बताओ, बॉम्बे एंड कैलकटा, कैलकटा एंड बॉम्बे, कैलकटा एंड नागपुर, या बॉम्बे एंड नागपुर? यही तो नहीं याद होता, तिशक करो ना, मेरे साथ पढ़ाई करो, हो जाएगा. जल्दी आंसर, द राइट आंसर इज बॉम्बे में बनी थी खिलाफत कमिटी और नागपुर में एनसीएम को अडॉप्ट किया गया था. 1920 में एनसीएम अडॉप्ट हुई थी, लेकिन 1921 जनवरी में नॉन कोऑपरेशन, एनसीएम का मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. फिर 1922 में चौरी चौरा, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है, वहां पे दंगे फसाद हो गए थे, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कॉलम ए और कॉलम बी से. चार वर्ड्स लिखे हुए हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में लिखे हुई हैं उनकी रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस. आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट मैच है. एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब एक विजन ऑफ सोसाइटी, उटोपियन का मतलब एक तरीके की सरकार, प्लेबिसाइट का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, सफरेज का मतलब अ सिस्टम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन. कैलकटा में अनिर्बन, हिंदूज और मुस्लिम की यूनिटी के लिए खिलाफत मूवमेंट के जो दो रिप्रेजेंटेटिव थे मोहम्मद अली शौकत अली, उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में ले जाया गया था गांधी जी द्वारा, जो कैलकटा में हो रहा था. एसएसटी बोरिंग लगता था, यू मेक इट इजी. थैंक यू प्राची, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्यों? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी मनमानी करता है या करती है, किसी और का नहीं सुनता. तो इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट बोल सकते हो, जैसे कि डिक्टेटरशिप, जैसे कि मोनार्की. उटोपियन का मतलब होता है एक तरीके का सपना, एक तरीके का ऐसा सपना देखना जो अभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यू आर इमेजिनिंग कि ऐसा भी एक समय आएगा. तो इट इज अ विजन ऑफ सोसाइटी, राइट. प्लेबिसाइट का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग, और सफरेज का मतलब ये नहीं होता है कि इलेक्शन होल्ड करना, सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट. प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में पिक्चर करना जरूरी है? बिल्कुल करना जरूरी है. आपके प्रैक्टिस पेपर में आया है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से पिक्चर कैसे छोड़ेंगे हम, बिल्कुल करके जाएंगे. चलो एक न्यूमेरिकल भी कर दो छोटा सा डेवलपमेंट चैप्टर में से. चार फैमिलीज हैं एक देश में, चार ही फैमिलीज रहती हैं, उसमें से एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है फैमिलीज की बता दी है 5,000 है, ठीक है. एवरेज इनकम है उस देश की 5,000. अगर तीन फैमिलीज की इनकम 4,000, 7,000 और 3,000 है रिस्पेक्टिवली, तो चौथी फैमिली की इनकम क्या होगी? जल्दी से फॉर्मूला लगाओ. एवरेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ द टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर इज इक्वल टू द एवरेज. आंसर आया बेसिकली 7,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5,000, है ना. हो जाएगा 20, हो जाएगा 7, 10, 10 और 4, 14, 14, 20 माइनस 14, 6,000. राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. मैम आंसर रटा हुआ है, पेपर में नहीं आएंगी ये वैल्यूज. राइट आंसर कौन कह रहा है 8,000, पिटाई लगाऊंगी मैं, इतनी कैसे मैथ वीक है. ओके चलो एक और मैप का क्वेश्चन करते हैं. स्टेट द स्टेट वेयर खिलाफत मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड. मैं आपसे जगह नहीं पूछ रही हूँ, सिटी नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे स्टेट पूछ रही हूँ जहां पे खिलाफत मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था. खिलाफत मूवमेंट को कहाँ अडॉप्ट किया गया था, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बॉम्बे से. बॉम्बे कौन सी स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र में. तो मैं कौन सी स्टेट मार्क करके आऊंगी? ये वाली स्टेट मार्क करके आऊंगी. टेढ़ा क्वेश्चन है तो इसलिए हम देख लेंगे, सिर्फ एक सिटी मार्क कर देते हमारे नंबर कट जाते, हमें स्टेट मार्क करना है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय NHAI? NHAI इनमें से कौन सी सड़कें बनाता है? नेशनल हाईवे बनाता है, स्टेट हाईवे बनाता है, बॉर्डर रोड्स बनाता है, कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाता है? अरे भाई जल्दी बताएं, ये तो बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ब
बच्चा आज के लेक्चर में हम टोटल 100 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम समवेयर अराउंड 90 क्वेश्चंस कर रहे हैं, या आई थिंक 85 या 90 क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्यों, आई विल टेल यू, बिकॉज बाकी के 15-10 क्वेश्चन जो भी बचेंगे हमारे 100 क्वेश्चन में से, उनकी मैं एक टेस्ट PDF जिसमें आंसर नहीं है वो आपके कॉमेंट्स में पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी. वो आपका टेस्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेना. उसकी आंसर PDF अलग से एक लिंक मैं डाल दूंगी, पर उसको देखे बिना, आंसर को देखे बिना आप एक बार वो PDF सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना, सो दैट आपको भी पता हो कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक में हम लोग थोड़ा पीछे छूट रहे हैं. चलो, यहाँ पे द आंसर इज गोल्डन कोडिलेटरल. नेशनल हाईवे बनाता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. स्टेट हाईवे बनाता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. बॉर्डर रोड बनाता है ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. गोल्डन कोडिलेटरल इज कंस्ट्रक्टेड बाय दिस. मैम मेरे हिस्ट्री के 3 चैप्टर और ज्योग्राफी के 5 चैप्टर रह रहे हैं, क्या मेरे 95% आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल. मैम सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब सॉल्व करोगे सुहानी? इसके बाद वही होना है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड. जो हमारा सिविल कोड था 1804 का, उसका इसमें से कौन सा एक चीज है जो उसमें नहीं एग्जिस्ट करती थी? राइट टू प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, या एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट. और इक्वालिटी बिफोर लॉ. अभी रिवीजन एनसीईआरटी की करें या सैंपल पेपर्स की? एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम है, अगर आपकी इंग्लिश हो रखी है तो थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो. एक आधा चैप्टर सारा पढ़ने का तो एसएसटी का टाइम नहीं है अपने पास. अपने पास बहुत चैप्टर्स हैं यार, कैसे पढ़ेंगे ना इतने सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी. हाउ टू स्टडी फॉर एसएसटी इन गैप्स, बताऊंगी शायद ना, गैप्स आने तो दो, आई विल टेल यू. राइट आंसर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. भाई यही तो गलती की थी ना नेपोलियन ने. नेपोलियन ने फ्रांस को बचा के खुद मोनार्क बन गया था, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों देगा वो, वोटिंग राइट क्यों देगा सबको, जब उसने राजा खुद ही बनना है तो काय चीज की वोटिंग कराएगा वो, राइट? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज रेकग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. पहली बात तो कौन से देश ने ग्रीस पे कब्जा किया हुआ था 15वीं शताब्दी से? उसका नाम है ऑटोमन एम्पायर, जिसे आप प्रेजेंट डे टर्की बोलते हो. ग्रीस की इंडिपेंडेंस कब से स्टार्ट हुई? 1821 से. खत्म कब हुई उसकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1832 में. कैसे खत्म हुई? क्योंकि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया गया. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. हाय सार्थक बच्चा, लव यू टू. या राय स्टार गेमिंग, कैसे नाम रखते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द केरला बॉय ने मुझे 29 रुपए और एक गुलाब का फूल दिया. केरला बॉय थैंक यू फॉर द गुलाब का फूल. व्हाट वाज द 3rd year ऑफ गवर्नमेंट एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में जो तीसरा लेवल ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर एड हुआ था उसका नाम क्या था? पंचायत नाम था या म्यूनिसिपैलिटीज नाम था या बोथ ANB था या नाइदर ANB था? आर ब्लू प्रिंट्स ट्रू? नो गरिमा बच्चा, ब्लू प्रिंट्स आर नॉट ट्रू. CBSE कभी भी चैप्टर वाइज SST का नहीं बताती है, क्योंकि देखो हमारा SST का पेपर ही ऐसे आता है कि उसमें बहुत चॉइसेस होती है. क्वेश्चन नंबर ए पार्ट्स में चॉइसेस होती हैं, तो कभी भी चैप्टर वाइज वो नहीं बताती है कि कितने मार्क्स का प्रोबेबल क्वेश्चन आएंगे. हमेशा होता है कि हिस्ट्री में से 20 आएगा, ज्योग्राफी में से 20, इको में से 20 और सिविक्स में से 20. लेकिन जो टीचर्स आपको ब्लूप्रिंट दे रहे हैं वो अपने तुक्के से दे रहे हैं, अपने अजम्पशंस से दे रहे हैं. उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि इस चैप्टर के 8 नंबर का पढ़ना है तो आपने सोचा ये चैप्टर तो बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ये पढ़ लेती हूँ, बाकी 2 चैप्टर जो जिसमें से मैम ने बोला है 2-2 नंबर का आएगा वो वाला छोड़ देती हूँ. नहीं, हमेशा ब्लूप्रिंट जो है अजम्पटिव होता है, इट्स अज्यूम्ड. मेंटी कब लूंगी? जरूर लूंगी. बोथ ANB इज द राइट आंसर. 1990s में, 1990 के दशक में हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, और अपने देश में म्यूनिसिपालिटी और पंचायती राज लेके आए थे, और वो दोनों ही लोकल लेवल पे आते हैं. तो हमारे पास 4 लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, 3 ही है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है. अच्छा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने खुद ने बनाया ये वाला क्वेश्चन. थर्मल और वाटर पोल्यूशन में मेन डिफरेंस क्या होता है? टेम्परेचर का होता है, पोल्यूटेंस का होता है, कंट्री का होता है, या बोथ BNC? जल्दी बताओ. है, मैंने किसी को टाइम आउट नहीं किया, मैं कैसे टाइम आउट करूं, फोन इतना दूर पड़ा है. आपके लिए SST में 100% लाएंगे. मस्का लगा लो तुम. राइट आंसर इज टेम्परेचर.
थर्मल पोल्यूशन जो होता है उसमें पानी गर्म होता है, पानी पोल्यूटेड भी होता है और गर्म भी होता है। वाटर पोल्यूशन में पानी पोल्यूटेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जिस पानी की धारा में भेजा जाएगा, जिस वाटर बॉडी में उसे फेंका जाएगा, उसका वो टेम्परेचर भी खराब कर देगा। तो थर्मल पोल्यूटेड वाटर इज वे वर्स देन जस्ट वाटर पोल्यूशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर इन 1871? थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि हम पेज पलटते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में और हमारा राजा चेंज हो जाता है। तो जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि 1871, 71 ही बोलते हैं ना शायद, 1871 में जब यूनिफाइड जर्मनी का एम्परर घोषित किया गया था हॉल ऑफ मिरर्स पैलेस ऑफ वर्सालिस में, तो कौन बना था राजा? राजा बना था, स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, ठीक है, वैसे मैं आई और एल में कंफ्यूज हो गई। ठीक है, यस बच्चा, कैजार नाम नहीं था उसका, कोई कह रहा है कैजार विलियम वन। कैजार का मतलब होता है राजा, कैजार इज बेसिकली किंग, इट्स अ जर्मन वर्ड। ठीक है, तो उसका नाम विलियम वन ही था, कैजार इज जस्ट अ टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, यहाँ पे मैंने आंसर ही दिखा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल पार्टी? ऊपर की तीनों पार्टी जो है हमारी नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है द्रविड़ा मुनेत्रा कड़ेगम, डीएमके, न्यूज में आती रहती है आजकल। चलो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, जल्दी से देखो ये दोनों फिगर, फिगर नंबर वन, फिगर नंबर टू। फिगर नंबर वन में देख रहे हो कि चार चेयर है, उसमें सब स्क्वीज कर करके बैठे हैं, सबने इक्वल स्पेस ले रखा है। फिगर नंबर टू में देख रहे हो चार चेयर पे एक आदमी लेट के बैठा हुआ है और दो चेयर पे चार लोग चिपक चिपक के बैठे हुए हैं क्योंकि जगह की कमी है। ये क्या दर्शा रही है फोटो? कि कंट्री वन ज्यादा रिच है कंट्री बी से, या कंट्री बी ज्यादा रिच है कंट्री ए से? बताओ। सी, वेरी नाइस, कंट्री ए हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई वहां पे सबने इक्वल स्पेस ले रखी है, यहाँ पे एक आदमी तो लेटा पड़ा है चेयर्स के ऊपर और बाकी लोग स्क्वीज करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास जगह की कमी है। तो ये दर्शा रहा है कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है और गरीब लोगों को थोड़े से पैसे में गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे नॉट सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन और रीजनिंग आ गई है। असर्शन कह रहा है कि इट इज वेरी सिंपल टू मेक चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं तो बहुत ही आसान है। रीजन कह रहा है कि नाइदर ऑफ द हाउसेस, किसी भी घर के पास पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिपेंडेंटली वो अमेंड कर दे। व्हाट डू यू थिंक? दोनों ही घर के पास पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिपेंडेंटली अमेंड कर दे। और असर्शन आपने पढ़ लिया है, तो क्या दोनों सच्चे हैं, दोनों झूठे हैं, एक सच्चा है एक झूठा है, कि दोनों सच्चे हैं और दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं? हिंदी के लिए क्या करें आयुष, मुझे हिंदी का तो सिलेबस ही नहीं पता बच्चा, मैं कैसे बताऊं? सूर्यवीर सिंह मैम, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू यूरोप? सूर्यवीर, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है वो वाले लोग या वो वाली धारा, विचारधारा जो चाहती नहीं है कि पुरानी चीजों को बदला जाए। यूरोप के केस में कंजर्वेटिज्म में आपको ट्रीटी ऑफ वैना मेंशन करना है और मेंशन करना है कि कंजर्वेटिव देशों ने नेपोलियन को हराया था। यहाँ पे राइट आंसर इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। वेरी नाइस, डेफिनेटली ए इज फॉल्स, नहीं ए इज, हाँ डेफिनेटली ए इज फॉल्स। सिंपल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, और किसी भी घर के पास, किसी भी गवर्नमेंट के पास यूनिलेटरल पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। दो स्टेप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। स्टेप नंबर वन, जब दोनों घर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मेजोरिटी से बोले कि हमें फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है। और उसके बाद स्टेप नंबर टू इज ऑल्सो मैंडेटरी, जब हमारे इंडिया में एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से 50% से ऊपर स्टेट्स को ये बोलना है कि हाँ हमें भी ये चीज मंजूर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर तभी चेंज होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारी मिलकर बोलेंगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज हाई कॉम्पोनेंट ऑफ आयरन? कौन सी मिट्टी है इसमें से सबसे ज्यादा आयरन कॉन्टेंट जिसमें होता है? देखो होता है सब में, सबसे ज्यादा किसमें होता है? रेड एंड येलो सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, लेटरेट सॉइल में, एरिड सॉइल में? मैम ज्योग्राफी में से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे क्या? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? ऑल योर सेशंस आर रियली हेल्पफुल, थैंक यू माधवी, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। होती है, मैं क्या करूं मैम, मैप में प्रॉब्लम होती है राशि, सिर्फ प्रैक्टिस से मैप आते हैं। 5 बार प्रैक्टिस करो, आई प्रॉमिस यू आ जाएगा। मैम प्लीज एक्सप्लेन उलामा एंड फतवा। उलामा आर द लीगल स्कॉलर्स इन इस्लाम एंड फतवा आर द डायरेक्शंस, डायरेक्शंस दे गिव आउट और बेसिकली सेंड आउट
फॉर पीपल हु फॉलो इस्लाम टू मेंटेन अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लाइफस्टाइल. ठीक है, सो लीगल स्कॉलर्स ओनली हैव द अथॉरिटी टू इश्यू अ फतवा. ओके, द राइट आंसर हियर इज रेड एंड येलो सॉइल. लाल होती है मिट्टी बिकॉज उसमें आयरन कॉन्टेंट होता है और उसमें जब आप पानी मिलाते हो, बारिश आती है, हाइड्रेशन होता है, तो वो पीली हो जाती है. रंग बदली मिट्टी. सारा रीजनल पार्टी याद करना है, नहीं तन्वी, सारी रीजनल पार्टी याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए. नेशनल पार्टीज के नाम याद है तो वो ऐसे ही पूछेंगे कि ऑड वन आउट बता दो. मेरे कुछ कॉन्टेक्ट है सीबीएसई में, इन्फॉर्मेशन ने बताया कि क्लास में मेरे को ये कॉन्टेक्ट है, ऐसे थोड़ी होता है, सीबीएसई ऐसे थोड़ी करती है, इतनी थोड़ी मुफ्त है सीबीएसई, बता देगी कि पेपर कैसा है. चलो अथर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट गोमस्था. गोमस्था के बारे में कौन सी बात सच्ची है. बहुत सारे वीविंग विलेजेस में देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गुमस्ता. गुमस्ता और वीवर्स के बीच में झगड़े होते रहते थे. दूसरा सेंटेंस है कि जो गुमस्तास होते थे वो आउटसाइडर्स होते थे, वो गांव के साथ उनका कोई सोशल लिंक नहीं होता था. तीसरा है कि गुमस्ता और वीवर्स के बीच में अच्छी दोस्ती होती थी. और ऑप्शन नंबर डी है कि पहले दो सेंटेंसेस जो है सच्चे हैं. मैम टिप फॉर हिस्ट्री, टिप फॉर हिस्ट्री वुड बी प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. 3 points फॉर 3 marks, 5 to 6 points फॉर 5 marks. वॉट इज कम्युनलिज्म बच्चा? रिलीजन और पॉलिटिक्स की खिचड़ी को कम्युनलिज्म बोलते हैं. बेसिकली द पीपल हु बिलीव दैट रिलीजन इज द ओनली एस्पेक्ट दैट शुड मैटर इन अ सोसाइटी और रिलीजन इज द बेसिस ऑफ एनी सोसाइटी आर द पीपल हु समटाइम्स टेंड टू यू नो बिकम स्वेड अवे विद टू मच इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स. नोबडी सेज कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, बट सिर्फ आप जब पॉलिटिक्स में सिर्फ रिलीजन 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 करते रहते हैं तो बाकी मुद्दे थोड़े पीछे छूट जाते हैं. यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी. बुर्जोजी क्लास कौन सी होती है? अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हाउ द कंपनी प्रिवेंटेड वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी कंपनी? मेरी कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के वीवर्स को कैसे रोका बाकी बायर्स के पास जाने की. क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे बायर्स आते थे, पुर्तगाल से आते थे, फ्रांस से आते थे, बहुत जगह जगह से कपड़ा खरीदने आते थे. तो कैसे रोका? कंपनी वीवर्स को हाईएस्ट रेट देती थी उनके सामान का, या कंपनी जो है लोन्स देती थी वीवर को प्रोडक्शन से पहले ही रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या फिर जो लोग लोन ले लेते थे उन्हें कपड़ा गुमस्था को ही प्रोड्यूस करके देना पड़ता था. फाइनली थैंक यू. या वीवर्स कुड नॉट सेल देयर प्रोडक्ट टू एनी अदर ट्रेडर. बहुत ही टेढ़े से इसमें ऑप्शंस हैं, बट यू कैन डू इट पायल. थैंक यू. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. देखो जब ऑप्शन नंबर बी होगा तभी तो ऑप्शन नंबर सी और डी होगा ना. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अगर लिखा होता बोथ बी एंड सी एंड डी तो फिर भी हम उस पर सोच पाते, बट अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है. नेक्स्ट, असोसिएशन एंड रीजनिंग. 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में रिवोल्ट किया. रीजन बोल रहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन. यानी कि ये जो लिबरल लोग थे ये इसलिए लड़ाई कर रहे थे क्योंकि ये चाहते थे कि औरतों को वोटिंग का अधिकार मिले. हंसी आ रही मुझे इस बात पे. उलामा एंड फतवा आर इन विच चैप्टर बच्चा? दे आर इन प्रिंट कल्चर. उज्ज्वल लव यू टू यार, थैंक यू. सेशन की पीडीएफ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी. डिफेक्शन क्या होता है? जब आप किसी एक पार्टी से सीट जीत के, कैंडिडेट बन के जीत के गद्दी पे बैठ जाते हो, एमपी एमएलए बन जाते हो और उसके बाद पार्टी चेंज कर लेते हो गद्दी पे बैठे बैठे, तो उसे डिफेक्शन बोला जाता है. बॉल पेन अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव द फाइनल चॉइस. प्रिंट कल्चर हो जाएगा, आने वाला है मेरा प्रिंट कल्चर. रास्ताफेरिनिज्म वाज अ रिलीजन बच्चा दैट बिलीव इन फ्री स्पिरिटेडनेस. ओके, हियर द आंसर इज बोथ ऑफ देम आर फॉल्स. पहली बात, उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया था, उन्होंने पार्लियामेंट कन्वेन किया था. और दूसरा रीजन, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट हो, औरतों को वोटिंग राइट्स उनका कोई लेना देना नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट को लगाने का क्या पर्पस था? चार ऑप्शन है, जल्दी से देखिए. रॉलेट एक्ट, जय श्री कृष्णा. कास्टिज्म क्या होता है? कास्टिज्म तो आपको पता ही है, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन. कास्टिज्म वॉज अ होल हायरार्की.
नॉट इग्नोरिंग कृष्णा, राइट आंसर बताओ. पर्पस ऑफ इम्पोजिंग रॉलेट एक्ट, पर्पस था इम्पोज करने का ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी या कॉलोनियल गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी को, ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए और वो किसी भी सत्याग्रही को, किसी भी प्रोसेशन में पार्ट लेने वाले इंडियन को बिना किसी ट्रायल के पनिशमेंट भी दे सके या जेल में भी डाल सके. सो रॉलेट एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी इंडिविजुअल विच वॉज इंडियन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ द लॉ. रॉलेट एक्ट में भी एक क्वेश्चन आते ही आता है, रॉलेट एक्ट में क्या थे, क्या पॉइंट थे, क्यों गांधी जी रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल करवाना चाहते थे, ऑल ऑफ दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द एम बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ जोलवरीन. जोलवरीन क्या था? कस्टम यूनियन था, प्रशिया ने स्टार्ट किया था, बाकी यूरोप के देशों ने बाद में उसमें एडिशन कर लिया था, लिबरल लोगों ने बनाया था, ये सब पता है. बनी क्यों थी? वो बनी थी इकोनॉमिकली जर्मनी बोलने वाले, जर्मन भाषा बोलने वाले देशों को बाइंड करने के लिए. तो टू बाइंड जर्मनी इकोनॉमिकली इंटू अ नेशन, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट देखो, ऐसे ऐसे हो गए यहाँ पे. द ओनली स्टेट विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज इज, कौन सी स्टेट है जहाँ पे रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपल्सरी है? तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट. प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. थैंक यू क्रिश, थैंक यू सो मच. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई राजा सासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. जल्दी से, हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, जल्दी करिए. राजा सासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा वाला है इसमें से? वन टू या थ्री? वन है. टू कौन सा है? आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. थ्री कौन सा है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बाकी राजीव गांधी में करा चुकी हूँ, मीनम बक्कम है आपका चेन्नई में. ठीक है नेक्स्ट, assertion and reason. The Portuguese and the Spanish conquest and colonization of Antarctica was decisively underway by the mid-16th century. Portuguese लोगों ने और Spanish conqueror ने अंटार्कटिका को colonize कर लिया था 16वीं शताब्दी के बीच में, right? Reason बोल रहा है कि जो सबसे powerful weapon उन्होंने Spanish conqueror ने use किया था, वो use किया था germs of swine flu that they carried. क्या लगता है? मशरूम हट रियली रियली लव यू, थैंक यू. आई कॉन्ट स्टडी नाउ, आई एम डिप्रेस. मिताक्षी वाई डोंट यू ड्रॉप मी अ मेल, विल टॉक अबाउट इट. अभी तक हिस्ट्री में कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा. प्लीज टेल किरण, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, फिर एक आधा टॉपिक जो हमें टफ लगता है वो रीड कर लेंगे, हो जाएगा. द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी. पहली बात तो पोर्तुगीज और स्पेनिश लोगों ने 16वीं शताब्दी में अमेरिका पे कॉन्कर किया था, अंटार्कटिका पे नहीं, तो यहाँ पे ये वर्ड गलत है. दूसरा रीजन में लिखा हुआ है कि वो स्वाइन फ्लू के जर्म्स ले गए थे. स्वाइन फ्लू तो उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो जर्म्स लेके गए थे आपका स्मॉल पॉक्स के. सो ये दोनों ही चीजें गलत है. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डैश हैज फॉलन. अभी आजकल की दुनिया में किस चीज का कॉस्ट कम हो गया है जिसकी वजह से ज्यादा सामान इसके साथ भी ट्रेवल कर लेता है? कॉस्ट किस चीज का कम हुआ है? मुशरफ जल्दी बताइए. मुशरफ हुसैन थैंक यू, थैंक यू. वी आर गेमिंग, मेरा चैनल मैजिक पिल भी अच्छा लगता है. क्या बात है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉलेट एक्ट एंड मार्शल लॉ? रॉलेट एक्ट तो बच्चा मार्शल लॉ होता है जब आर्मी का रूल हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है. मार्शल लॉ डेमोक्रेसी में भी कई बार लग जाता है, उसके लिए आपको कॉलोनाइजर्स होने की जरूरत नहीं होता. इट इज बेसिकली अ सिचुएशन. रॉलेट एक्ट इज अ लॉ कि आपने लॉ में ही चेंज, बदलाव ही ला दिया ना. ओके द राइट आंसर हेयर इज एयर ट्रांसपोर्ट. कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट तो वैसे भी कम ही था, वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ. रोड ट्रांसपोर्ट में क्या ही खर्चा लगता है, टोल तो उतना का उतना है. रेल ट्रांसपोर्ट में भी क्या ही खर्चा लगता है. ओके द टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच मोर नंबर ऑफ पीपल वर्क देन एक्चुअली नीडेड. जब जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो उस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है? डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी, सेम थिंग या वन इंग्लिश सेशन ऑल्सो, आई विल थिंक अबाउट इट. थैंक यू, लव यू टू या देवांशी. आंसर बताओ इसका. आयुष हेलो, थैंक यू जेके. वॉट इज पेट्रियार्की? पेट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता. रूल ऑफ अ मैन, रूल व्हेन हेड ऑफ द सोसाइटी, हेड ऑफ द फैमिली आर मेन इन जनरल. द पावर बिलोंग्स टू द मेन इन द सोसाइटी इन जनरल, इट इज नोन एज पेट्रियार्की. इसका ऑपोजिट होता है मेट्रियार्की, व्हेन द पावर बिलोंग्स टू अ वुमेन हेड इन द सोसाइटी और यू नो इन अ फैमिली.
मेट्रियार्की दुनिया में कम ही एग्जिस्ट करती है, पेट्रियार्की आप देखते हो हर जगह एग्जिस्ट करती है। इसका आंसर चलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए, राइट। एक बार गुमस्ता एक्सप्लेन कर दीजिए। गुमस्ता वो पेड सर्वेंट्स थे जो ब्रिटिशर्स ने एम्प्लॉय कर लिए थे ट्रेड को अपने हाथ में करने के लिए। उन्होंने सारे मिडिल पीपल को हटा दिया था, सारे ब्रोकर्स को, सारे सप्लाई मर्चेंट्स को हटा के गुमस्ता की ये जॉब बना दी थी कि वीवर से कपड़ा लाओ, सप्लाई भी एफिशिएंट होनी चाहिए और सप्लाई कभी कम नहीं होनी चाहिए, और सस्ते में कपड़ा लेके आओ और हमें पहुंचाओ। तो गुमस्ता वर दोस पेड सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू गेट द कॉटन सप्लाई फ्रॉम द वीवर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू बी एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। नेक्स्ट, द पर्सन हु गॉट पीपल फ्रॉम विलेज इंश्योर्ड देम जॉब। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को गांव से लेके आता था, उन्हें जॉब दिलाता था सिटी में सेटल होने के लिए, जब उन्हें पैसे की जरूरत होती थी तो पैसा भी देता था, उसे क्या बोला जाता था? दीक्षा अच्छा ही होगा ऐसे लगता है। व्हेन यू आर क्वाइट प्रिपेयर्ड यू डू फील लिटिल फ्लिमजी कि अरे हमारा पेपर अच्छा नहीं होगा, बट अच्छा ही होगा, रिपोर्ट कार्ड आएगा तो पता चलेगा। पॉलिटिकल पार्टी के देखो रीजनल पार्टी के नाम याद नहीं करने, नेशनल पार्टी के याद करने। हियर द आंसर इज गोमस्ता। नहीं गोमस्ता नहीं, जॉबर, जॉबर होते थे जो रिक्रूटमेंट भी देते थे, अथॉरिटी भी होती थी इनके पास, कभी सुख दुख में साथ भी आ जाते थे वर्कर्स के। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1958 में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है हरियाणा से थोड़ी सी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पावर शेयरिंग जो है एक अच्छा तरीका है पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाने का। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1956 में 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और तमिल को थोड़ा सा डिसरिगार्ड किया गया था। आदिति लव यू टू। मैम आंसर पेपर्स का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? सुहाने आई मेक अ वीडियो ऑन इट प्रॉमिस। मैम डिसेंटर क्या होते हैं? जो लोग डिसेंट में विश्वास रखते हैं, सारे का डिसेंट का मतलब होता है पॉपुलर ओपिनियन से जब आप अगेंस्ट जाके कुछ बोलते हो, दैट इज नोन एज द वॉइस ऑफ डिसेंट। इट कैन बी अ गुड थिंग, इट कैन बी अ बैड थिंग। डिसेंट मतलब पॉपुलर ओपिनियन से आप अलग बोल रहे हो। भूदान मूवमेंट था जब जमीनों का दान किया गया था गरीब लोगों के लिए, विनोबा भावे जी ने शुरू किया था, रेड्डी जी ने जो है सबसे पहले उनमें दिया था भूदान। ओके द राइट आंसर इज श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री 1958 में नहीं बना था, 48 में बना था, हमारे एक साल बाद, हमारा पड़ोसी देश एक साल बाद इंडिपेंडेंट हो गया था। चलो ओके, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। हिस्ट्री में से डॉन ऑफ द सेंचुरी वाली ये आपको ईटी पॉल वाला ये कवर पेज दिख रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें जो पहिए हैं जिनके पर लगे हुए हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि फिर आपको फोटो नहीं दिखती, मैं फोटो दिखाना चाहती थी, बट आप मुझे बता दो विजन, आप मुझे बता दो विजन गेमर्स कि इसमें क्या है। थैंक यू सो मच मैम। आप सिंचन देखते थे? पहले देखती थी, अभी नहीं देखती। पहले बहुत देखती थी, बहुत पिटाई भी पड़ी मुझे सिंचन देखने के लिए। मैं सिंचन देखती थी, सारी गंदी गंदी चीजें सीखती थी सिंचन वाली। और मैं एक बार मैंने अपनी मम्मी को नाम से बुला दिया था, बस उसके बाद क्या हुआ यू कैन इमेजिन। ओके, व्हाट डज व्हील विद विंग्स रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स टाइम, समय का पहिया है वो, समय का पहिया। जेंडर एंड कास्ट पे एक सेशन बनाओ, ऑलरेडी है हमारे चैनल पे। पेनी चैप बुक्स क्या होती थी? पेनी चैप बुक्स होती थी जो पॉकेट साइज बुक्स होती थी, जो 1 रुपए में मिल जाती थी, 1 पेनी में मिल जाती थी बेसिकली। पेनी चैप बुक्स होती थी वो वाली बुक्स जो सिर्फ औरतों के लिए होती थी। पेनी चैप बुक्स होती थी वो वाली किताबें जो बहुत महंगी होती थी, सिर्फ अमीर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पढ़ती थी, या नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज पेनी चैप बुक। पेनी वर्ड ही लिखा हुआ है, पेनी का मतलब एक आधे सिक्के में जो मिल जाती थी। एंड दे आर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ होती थी? यूरोप में होती थी, मोस्टली ब्रिटेन में, और इसी का बिलोथिक ब्लू वर्जन होता था फ्रांस में। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। डेमोक्रेसी सिटीजन्स में इक्वालिटी प्रमोट करती है, डेमोक्रेसी लोगों की डिग्निटी को एनहांस करती है, डेमोक्रेसी से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, डेमोक्रेसी से मिस्टेक्स करेक्ट नहीं होती। आर्यन थैंक यू। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जॉबर? टू रिक्रूट पीपल फॉर द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। स्पिनिंग जेनी वाज अ मशीन मेड बाय जेम्स हार्ग्रीव इन 1764 टू स्पीड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। मेरा टेस्ट मत लो, आंसर बताओ यहाँ पे। अकॉर्डियन बुक, तनिष्क, अकॉर्डियन बुक वॉज द फोल्डेड बुक, ट्रेडिशनल बुक ऑफ चाइनीज पीपल। इट वॉज हैंडमेड पेपर होता था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज द सेक्टर इन विच नो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड। राइट आंसर इज डज नॉट हैव रूम टू करेक्ट मिस्टेक। डेमोक्रेसी डज हैव रूम टू करेक्ट मिस्टेक। ये 5 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है स्क्रीन पे। व्हाई इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिगार्डेड एज द बेस्ट चॉइस? क्यों बोलते हैं हम कि डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप देखोगे तो बेस्ट चॉइस है? क्योंकि वो लोगों में इक्वालिटी लाती है, क्योंकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करती है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है, या बोथ ए एंड बी? मैम कौन से लेवल का पेपर आएगा? पेपर वुड बी फ्रॉम इजी टू मीडियम, डोंट वरी। एसएसटी का पेपर जैसा हम सोच रहे हैं इजी टू मीडियम ही आना चाहिए, बट वी विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ऑफ पेपर। दैट्स व्हाट्स कॉल्ड अ स्मार्ट स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड सी। बच्चा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर नहीं कर पाती है डेमोक्रेसी, ट्राई करती है, इंश्योर नहीं कर पाती है। इंश्योर वो पॉलिटिकल इक्वालिटी करती है। देन चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी। अच्छा ये तो पहले करा दिया मैंने, पहले करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, आपको मैच करना है। ये भी मैं पहले करा चुकी हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस टीचिंग बैंकिंग या फिर, एक सेकेंड, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें से ऑड वन आउट आपको बताना है। इंश्योरेंस टीचिंग बैंकिंग पोल्ट्री फार्मिंग, केस बेस क्वेश्चन करा दूंगे। स्पिनिंग जेनी एक मशीन होती थी बच्चा, जैसे स्पिनिंग प्रोसेस ईजी हो जाता था। स्पिनिंग से ना आप रॉ कॉटन से धागा बनाते हो, तो पहले हाथ से धागा बनता था तो कम ही स्पिंडल चल पाते थे हाथ से वाली मशीन में। स्पिनिंग जेनी में क्या हुआ, पूरी मशीन बना दी जिसपे एक इंसान बैठ के कई सारे स्पिंडल पे एक साथ धागा बना लेता था या बना लेती थी। तो पहले एक धागा एक बार में बनता था, अब 20 धागे एक साथ बन जाते थे। यहाँ द राइट आंसर इज पोल्ट्री फार्मिंग। इंश्योरेंस टीचिंग और बैंकिंग तीनों ही टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं। पोल्ट्री फार्मिंग ऑन द अदर हैंड प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, क्योंकि आप एनिमल्स को डायरेक्टली लिंक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इवेंट डज द इमेज शो बिलो, कौन सी फोटो लगी हुई है? फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया जा रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन है, कि प्रोक्लेमेशन सेरेमनी हो रही है जर्मन एम्पायर का, या नन ऑफ द अबव? डिसेंट्रलाइजेशन, शेयर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन यू टेक द पावर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट एंड गिव इट टू द लोकल गवर्नमेंट, इट्स नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाती? बहुत काम कराते हैं यार स्कूल में ना, बहुत काम कराते हैं, इतना काम कैसे हो पाएगा। डिफरेंस बिटवीन गोमस्ता एंड जॉबर, गोमस्ता वर एम्प्लॉयड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, जॉबर वर एम्प्लॉयड बाई इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। गोमस्ता का काम था वीवर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सप्लाई देखना कॉटन का, और जॉबर का काम था की रिक्रूटमेंट करना इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। हियर द राइट आंसर इज प्रोक्लेमेशन सेरेमनी हो रही है, बिस्मार्क जो है अपने राजा को यूनिफाइड जर्मनी की गद्दी पे बिठा रहे हैं। राजा का नाम है विलियम वन, जो कि कैसार थे, प्रशिया के राजा थे, बाद में पूरी यूनिफाइड जर्मनी के बन गए। नेक्स्ट सवाल, हु पब्लिश द बुक द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया? फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया किसने बनाई? कृष्णा थैंक यू, जल्दी बताएं, बहुत सारे आंसर दिए थे आपने, मेरा नाम एक बार में नहीं लिया। सुनील कुमार यादव, माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, नहीं, द राइट आंसर इज नतेशा शास्त्री जी। साउथ की फोकलोर है, फोकलोर का मतलब होता है लोक कहानियां, फोक का मतलब लोक और लोर का मतलब कहानी। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजनिंग, मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज। हिस्टोरिकली जो जितनी सोसाइटीज हैं दुनिया में वो मेल डोमिनेटेड हैं, यानी कि पितृसत्ता चलती है वहां पे। रीजन बोल रहा है कि औरतों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो नेसेसरी इंग्रीडियंट नहीं है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, मतलब कि औरतों को इक्वालिटी नहीं मिलती है डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी देते हैं, आदमी और औरतों दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न करेंसी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाउएवर इट डज नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ इट्स ओन। डेफिनेटली मॉडर्न करेंसी का, अगर नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सरकार ने बोला ये एक आधी नोट जो है कल से चलनी बंद, तो कल से उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी, वो घर पे पड़ी पड़ी सड़ रही थी। और रीजन ये नहीं है कि उसका कि वो इजी टू कैरी है, रीजन ये है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑथराइज करती है उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उससे हम और कोई काम नहीं कर सकते। नोटों से आप घर नहीं बना सकते हो, नोटों से आप स्कूल का सिलेबस उस पे नोटों पे लिख के बेच नहीं सकते हो। नोटों का काम है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीजें खरीदने और बेचने के काम आता है। राइट आंसर बोथ ही एन आर आर ट्रू, इंडिविजुअली वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ
इंडिया लोकेट न्यू मैंगलोर पोर्ट, इसमें से न्यू मैंगलोर पोर्ट कौन सा बच्चा? कॉर्न लॉस प्लीज समझा दीजिए, लीफी कॉर्न लॉस बच्चा थे। देखो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लेकिन फार्मर्स के लिए चाहिए था कि हमारा ही सामान खरीदे, ब्रिटेन के फार्मर से ही सामान खरीदे। इंडस्ट्रियलाइज देखते थे इंडस्ट्रियलाइज कि कहाँ से सस्ता सामान आ रहा है, इंडिया जैसी जगहों से सामान सस्ते में आ जाता था, तो वो खुद के फार्मर्स का सामान नहीं खरीदते थे, बाहर के फार्मर्स का सामान खरीद लेते थे। तो फार्मर्स ने टोरी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला, वहां की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि आप जो है कॉर्न लॉस बना दो, बाहर का सामान हमारे इंडिया में, हमारे ब्रिटेन में आने मत दो। तो कॉर्न के लिए नहीं बने थे सिर्फ लॉस, बाकी सीरियल भी उसमें इंक्लूड थे, रागी बाजरा बार्ले ऑल ऑफ दैट, बट द नेम वॉज कॉर्न लॉस। ओके द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं है बच्चा, बी है आपका मारमागाव पोर्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, हु अमंग, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, मेटरनिच ने बोला था। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे याद करें, किसी को पकड़ के पढ़ा दो। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, टर्शरी सेक्टर ओनर ऑफ अ प्ले स्कूल टर्शरी सेक्टर में आएगा या आएगी, पब्लिक सेक्टर लेबर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर 5 लोग काम कर रहे हैं लोकल ढाबा पे, प्राइवेट सेक्टर एक कंपनी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, इसमें से इनकरेक्ट क्या है बच्चा? दुकानें जो है टर्शरी सेक्टर में आती है, मैं बार बार बोलती हूँ, शॉपकीपिंग दुकानें या बिजनेस ओनिंग टर्शरी सेक्टर में आती है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में लेबर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर में लेबर नहीं होंगे, पब्लिक सेक्टर में इंप्लॉयज होंगे ना, पब्लिक सेक्टर सरकारी सेक्टर है लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज इनकरेक्ट मैश। ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मैम, इसका मीनिंग क्या है? अरुण कुमार, इसका मतलब ये है बच्चा कि अब मर्सियर दुनिया को बोल रहे थे कि प्रिंट कल्चर इतना स्ट्रांग हो गया है कि घर पे बैठ के कोई भी बात लिखी जाएगी वो 100,000 लोग पढ़ेंगे, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके राजा की गद्दी खतरे में आ जाएगी। तो ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये दुनिया के जो अत्याचारी लोग हैं, जो राजा लोग हैं, उन्हें डरना चाहिए एक वर्चुअल राइटर से। ब्रेटन वुड्स, यस आरिशा, इन विच ईयर डिड द फेडरिक सोरियो प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ द फोर प्रिंट, जो पहली पेंटिंग है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से, जहां से आपकी हिस्ट्री की किताब शुरू होती है, वो कौन से साल में बनी थी? वो उसी साल में बनी थी जहां पे पेरिस का रिवोल्ट हुआ था, उसी साल में बनी थी जहां रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स हुआ था, विच इज 1848। बच्चे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अच्छा फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी तो कराया 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTTE की फुल फॉर्म क्या है? सिविल वॉर के टाइम पे ये श्रीलंका में बन गई थी ऑर्गेनाइजेशन, गुरिल्ला मूवमेंट था, यानी कि थोड़ी वायलेंट थी, नाम है इसका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, है ना? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, तिलक साहब ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? द न्यूज़पेपर वाज केसरी, ऑप्शन नंबर बी। आपके सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर में से ये क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर्स में से, वो है ये वाला, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं एक्टिविटीज को, तो ये 3 कैटेगरीज आती हैं। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को हम किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फोटो में क्या दर्शाया हुआ है? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। इसमें आप एक आदमी देख रहे हो जो डेमोक्रेसी वाले पत्थर पे बैठा हुआ है, और उसके ऊपर लोग पत्थर मार रहे हैं अपने अपने ओपिनियन का। तो इसमें ये दर्शाया हुआ है कि डेमोक्रेसी कोई आसान नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सबके ओपिनियंस को साथ में लेके चलना पड़ता है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सेपरेट, नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कॉपिंग नहीं होगा, कोपिंग होगा, मल्टीपल प्रेशर होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। ऑप्शन नंबर बी।
बच्चा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में मैं जितना भी क्वेश्चन करा दूं, पेपर में जो ऑप्शंस आएंगे वो थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे, एग्जैक्ट ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में हम इंटरप्रिटेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन किसी भी भाषा में कोई भी कोई अपने तरीके से दे सकते हैं। सो सिमिलर मतलब ही मैं बता सकती हूँ, एग्जैक्ट मतलब आपको वहीं पर खुद से देखना पड़ेगा, बट आप समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज मेड इन कॉलोनियल इंडिया टू कंट्रोल प्रिंट रेवोल्यूशन। कौन सा एक्ट था जो आयरिश लॉज के ऊपर बना दिया गया था, जैसे आयरलैंड में बनाए थे लॉज वैसे इंडिया में बना के रख दिए थे 1857 के रिवोल्ट के बाद, ताकि हमारे इंडिया में प्रिंट कल्चर को कर्ब किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट, व्हाई इज द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज फॉर अराइविंग एट अ डिसीजन वर्थ वाइल। डेमोक्रेसी में डिसीजन आने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन वो टाइम लगना एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि उससे डेमोक्रेसी में डिसीजन प्रोसीजर से होते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली संविधान में जैसे लिखा है डिसीजन लेना वैसे ही होंगे, कोई मनमानी नहीं करता है। डिसीजंस आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ द पीपल, जरूरी नहीं है, कभी कभी लोगों के फेवर में नहीं भी होते हैं डिसीजन, जैसे सरदार सरोवर डैम बन गया था, ट्राइबल लोगों को अच्छा नहीं लगा, है ना। डिसीजंस आर मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल, यस मोर लाइकली जरूर है, क्योंकि मेजोरिटी की सरकार बनती है, मतलब मेजोरिटी वोटर्स की सरकार बनती है, तो जो आपके लीडर्स आपके लिए डिसीजन लेते हैं, देर इज मोर चांस, देर आर बेटर चांसेस कि आपको वो डिसीजन पसंद आएगा, बट 100% चांसेस नहीं है। सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। औरतों के लिए सीट इंडिया में कहाँ रिजर्व है, लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभा में, कैबिनेट अगेन पार्लियामेंट में, या पंचायती राज बॉडीज में यानी कि लोकल गवर्नमेंट में। सो अनफॉर्चुनेटली विमेन रिजर्वेशन बिल जो स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट में औरतों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा है, वो पिछले 15-20 सालों से पार्लियामेंट में अटका हुआ है, सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, बिल वहीं का वहीं है, पास ही नहीं हो पा रहा है पार्लियामेंट से। सो द राइट आंसर हियर इज पंचायती राज, ओनली ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आर यू लाइकली टू फाइंड एज अ सेडिमेंट्री रॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में जरूर आ सकता है। मोड्स ऑफ अकरेंसेज ऑफ द मिनरल, सेडिमेंट्री वाले, देन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक वाले, प्लेसर डिपॉजिट वाले, एलुवियल डिपॉजिट वाले, ओशन बेड वाले, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट, यार मेरी नंबरिंग गलत तो जाती है गूगल स्लाइड पर जब भी स्लाइड बनाओ। इन विच स्टेट इज कक्रापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कक्रापारा और कल्पक्कम में। कल्पक्कम सदर्न इंडिया में है, कक्रापारा वेस्टर्न इंडिया में है। वेस्टर्न इंडिया में कौन सी स्टेट में है, गुजरात में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मैनचेस्टर एक्सपोर्ट टू इंडिया डिक्लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैनचेस्टर यानी कि ब्रिटेन का एक शहर जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत होता था, तो वो अपना मशीन का बना सस्ता कपड़ा इंडिया में भेजा करते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अपना थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है कम कर दिया। क्यों कर दिया, पहले विश्व युद्ध में ऐसा क्या हो रहा था, तो पहले विश्व युद्ध में मैनचेस्टर क्या पूरा ब्रिटेन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे बैठा था, तो वो अपने लड़ाई का सामान बनाएगा कि कपड़ा भेजेगा इंडिया में, ऑब्वियसली वो अपना लड़ाई का सामान बनाएगा। सो द राइट आंसर हियर इज फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर बिजी प्रोड्यूसिंग गुड्स टू फुलफिल द नीड ऑफ द आर्मी ऑफ ब्रिटेन। आर्मी वाला सामान बन रहा था, इनफैक्ट इतना सामान चाहिए होता था उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि इंडिया से भी सामान वो मंगवाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वर नॉट इंक्लूडेड इन द ओपियम ट्रेड ऑफ 17th सेंचुरी। ओपियम ट्रेड हुई थी 17 सेंचुरी में, कौन से 3 देशों के बीच में थी, चाइना इंडिया ब्रिटेन। समझा दूं ओपियम की ट्रेड, 2 मिनट लगेंगे पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, जिसमें आप शायद आधा घंटा लगा दो। देखो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तुम 10 मिनट में भी कर सकते हो। इंडिया से चाइना जाता था ओपियम, कौन भेजता था ये ओपियम, ईस्ट इंडिया कंपनी। चाइना से आती थी चाय, ब्रिटेन, और ब्रिटेन इंडिया को कुछ नहीं देता था, और चाइना से ब्रिटेन पैसे भी देता था, ऑब्वियसली पैसे भी देता था, मनी, थोड़ी सी चाय थोड़ा सा मनी। ब्रिटेन ने इस पैसे को यूज करके बाकी देशों के साथ जो उसका ट्रेड डेफिसिट होता था, यानी कि जो भी उसको बैलेंस शीट अपनी करनी होती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पैसे पाटने होते थे, वो पैसे पाट लिया करता था। तो राइट आंसर हियर इज अफ्रीका, विच इज एनीवे नॉट अ नेशन, इट्स अ कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका वॉज नॉट अ पार्ट। स्लेव ट्रेड में हम अफ्रीका एज अ पार्ट पढ़ते थे क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सफर्ड अ फेमीन
ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑन पटेटो क्रॉप, कौन सा देश है जिसका पटेटो पे इतना डिपेंडेंस हो गया था कि 1840s आते आते वहां पे जब पटेटो की फसल में पटेटो ब्लाइट नाम की बीमारी लग गई तो सारे लोग भुखमरी से मर गए क्योंकि पटेटो की तो फसल ही खराब हो गई। द राइट आंसर इज आयरलैंड, आयरिश फमीन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस एरिस्टोक्रेटिक क्लास, एरिस्टोक्रेटिक मतलब ऐसी क्लास यूरोप की जिसके पास इतना पैसा होता था कि उसके पास बहुत लैंड होता था और सोशल पावर होती थी। तो जो अपर क्लास होती थी यूरोप में विक्टोरियन ब्रिटेन, विक्टोरियन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तब की जो रानी थी ब्रिटेन की उसका नाम विक्टोरिया था, क्वीन विक्टोरिया, वो जो है हैंडमेड सामान को ज्यादा पसंद करती थी। क्यों करती थी, क्योंकि हैंडमेड सामान इंपोर्टेड मटेरियल का बना होता था, क्योंकि हैंडमेड सामान जो है वो रिफाइनमेंट और क्लास को सिंबलाइज करता था, क्योंकि हैंडमेड सामान जो है मशीन मेड सामान तब अवेलेबल ही नहीं होता था, या फिर हैंडमेड सामान ज्यादा सस्ता आता था। अब अमीरों को सस्ते महंगे से क्या, तो अमीरों को चाहिए होता था महंगा सामान तो सिर्फ उनके पास मिले और किसी के पास देखने को ना मिले। सो दे यूज टू लाइक इट बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर बी, दे वॉन्टेड टू मेंटेन देयर क्लास, अमीर अभी भी वही करते हैं। नेक्स्ट, और सवन एंड बोरो, ये तीन स्पीसीज जो हैं कौन सी क्रॉप की तीन डिफरेंट वैरायटीज हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं। वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, जो इसका आंसर बताएगा वो पेपर में अच्छे नंबर लाएगा, जल्दी बताओ। आई एम अननोन मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड 25 मिनट में पढ़ाया हुआ, उसमें डिप्रेशन पढ़ लो अमेरिका वाला, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यस, क्योंकि पैडी और राइस एक ही बात होता है। वेरी नाइस, ऑप्शन ए कौन बोल रहा है, नहीं बच्चा ऑप्शन डी। नेक्स्ट असोशन, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका सिंबल एक कमल का फूल है, और रीजन बोल रहा है कि बीजेपी एक रजिस्टर्ड पार्टी है और हर रजिस्टर्ड पार्टी को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। क्या लगता है, दोनों चीजें सही हैं और दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्या? नहीं आ रहा, आप रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज नेम। कृष्णा, पंचायत सिस्टम में देखो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है जिसके हेड को सरपंच बोलते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे आपका पंचायत समिति होती है या फिर ब्लॉक समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है। बच्चा, हियर द राइट आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। वाई इज आर फॉल्स बच्चा, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टीज को यूनिक सिंबल नहीं मिलते हैं, रेकग्नाइज पार्टीज को मिलते हैं, तो यहाँ पर रेकग्नाइज आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इतने क्वेश्चन थे, बाकी आपके जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं मैं उनकी पीडीएफ, 10-15 क्वेश्चंस की टेस्ट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर जरूर प्रोवाइड करूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम देना। एनी डाउट्स नाउ मैम, हम आंसर खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बिल्कुल मैम, व्हाट इज द फीचर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन लिखनी है इसमें आपको। ब्रेटन वुड्स बच्चा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, उसमें दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ताकि दुनिया का वॉर की वजह से जो नुकसान हुआ था दुनिया दुनिया की इकोनॉमी रिकवर कर सके, रिकंस्ट्रक्शन हो सके। बाय लापत्री ले सितोयन क्या होता है, लापत्री मतलब फ्रांस इज अ फादरलैंड, ले सितोयन मतलब वी आर इट्स सिटीजन। आई एम अ संस्कृत स्टूडेंट एंड आई हैव इट, सो हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर सिस्टी इन वन डे। अनुति प्लीज ड्रॉप मी अ मेल, आई विल रिप्लाई टू दैट। हाय लफी, बाय। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपोलियनिक डिफीट, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इटली एंड जापान। जापान वॉज नॉट बचा, इसमें आपको ट्रीटी ऑफ वैना में जो चार नेशन आते थे उसमें से याद रखना है, उन्होंने हराया था नेपोलियन को मिलकर। मास्टर शेफ देखना, हाँ मास्टर शेफ देखने का टाइम हो गया, चलो चलो। बदमाश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडीएम एंड नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस अलग एरा में हुआ था, नॉन कॉपरेशन अलग एरा में हुआ था। सीडीएम में सिर्फ बोला गया था कि गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट मत करो, सॉरी नॉन कॉपरेशन में, सीडीएम में बोला गया था कॉपरेट भी मत करो, लॉज भी तोड़ो, और सीडीएम गांधी इरविन पैक्ट के बाद खत्म हुआ था, एनसीएम चौरी चौरा के बाद खत्म हुआ था। इंडेंचर्ड लेबर्स होते हैं बच्चा, बॉन्डेड लेबर, जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट तक उनके पास फ्री विल नहीं होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बच्चा बैंक की तरह फंक्शन करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। चलिए अभी आपकी टीचर जाएगी, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट द पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना प्लीज।